डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। ये एपिसोड नंबर 489 है और जो डेट है वो है 29 नवंबर 2019। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप इस घंटी जैसे चिन्ह पर क्लिक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है रोज सुबह 4 बजे आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं ssccjilpinakal.com और baljitdhaka.com। शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो इसको प्रतिवर्ष हम किसकी जयंती पर मनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने और अधिकतर लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। आंसर था डॉक्टर वर्गीज कुरेन, ओके कुरियन, ये आंसर था। अगले क्वेश्चन पर चलिए। महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है और आंसर है कालिदास कोलंबकर। ये हमारे दोनों आंसर्स थे प्रीवियस क्विज के। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। काफी उठक पटक के बाद, ये काफी टाइम से महाराष्ट्र जो है वो चर्चाओं में है चुनाव के बाद से, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे, ये हमारा आंसर है। आंसर यहां पर जो है हमारा बी होगा। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में पद की शपथ ग्रहण की। राज्य में 20 साल बाद शिवसेना से कोई मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1999 में सीएम की कुर्सी पर शिवसेना से नारायण राणे थे और मनोहर जोशी 1995 में शिवसेना से सीएम बने। ठाकरे महाविकास अघाड़ी, शिवसेना राकंपा, कांग्रेस गठबंधन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। तो ये थी जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। उद्धव ठाकरे की तस्वीर देख लेते हैं। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है यहाँ पर, और साथ ही साथ महाराष्ट्र कहाँ है मैप में ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर कैपिटल मुंबई है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, टाडोबा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अजंता इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स मुंबई में, ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर आते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना प्रमुख का निधन हो गया है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर है एडमिरल सुशील कुमार। आंसर यहां पर जो है बी है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का नेतृत्व करने वाले पूर्व नौसेना प्रमुख जिनका नाम है एडमिरल सुशील कुमार, इनका 79 इयर्स में जो है, इनकी एज थी 79 इयर्स, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। उन्होंने 1998 और 2001 के बीच एक नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1999 में कारगिल संघर्ष का भी इन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिए गए निर्णयों को चित्रित करती है और उसका शीर्षक था अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना प्रमुख जो है उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग को कब तक बढ़ा दिया है, ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर यहां पर जो है वो है 30 अक्टूबर 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 11 महीने बढ़ा दिया है, 30 अक्टूबर 2020 करने का निर्णय लिया है। यह इसका दूसरा विस्तार है। पहले विस्तार के बाद कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होना था। आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2019 को सौंपेगा। यह 2020 और 21 वित्तीय वर्ष के लिए कर विचलन के लिए सूत्र सुझाएगा। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और मैं आपको एक रिवीजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि हाल ही में जो वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के लिए नामित किया गया है मनमोहन सिंह को। चौथा प्रश्न है,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में भारत में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि नंबर वन पोजीशन इंडिया से किसकी है इस रैंकिंग में। यहाँ पर आंसर है हमारा आईआईटी बॉम्बे, आंसर जो है यहाँ पर हमारा ए है। भारत में 96 विश्वविद्यालय हैं, 96, ओके, जिसमें से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में 20 ब्रांड नई प्रविष्टियां शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 34वें स्थान पर है और इसके बाद आईआईटी दिल्ली जो है वो 43rd पोजीशन पर है, आईआईटी मद्रास जो है वो 50वीं पोजीशन पर है। भारत में से अभी तक शीर्ष 30 में एक भी विश्वविद्यालय जो है वो नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय, पिछले साल से 5 स्थान नीचे पहुंच गया है और वो 67th पोजीशन पर है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि नंबर वन पोजीशन पर कौन है, तो सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना गया है। ये देखिए यहां पर तस्वीर, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। आगे देखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा गोल्डन टारगेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। और चुना गया है इन सभी को, देवांश सिंह पवार को चुना गया है, एला वेनिल वेलरिन इनको चुना गया है और सौरभ चौधरी, इन तीनों को ही चुना गया है। तो आंसर जो है यहां पर हमारा डी होगा। मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखा देती हूँ, ये देखिए यहां पर आपको सौरभ चौधरी की तस्वीर नजर आ रही है। ओके, अब मैं आपको इनके बारे में जानकारी देती हूँ कि 3 भारतीय निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा गोल्डन टारगेट अवार्ड के लिए चुने गए हैं। म्यूनिक में 7 दिसंबर को 12 श्रेणियों के शीर्ष निशानेबाजों को पुरस्कार दिए जाएंगे। दिव्यांश सिंह पवार और इला वेलिन वेलरविन ने पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और जो सौरभ चौधरी हैं, ये जो तस्वीर है ये सौरभ चौधरी की है, ठीक है, सौरभ चौधरी जो है इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और अब मैं आपको एक खिलाड़ी का नाम बताती हूँ, आप मुझे बताना कि वो कौन से खेल से संबंधित है। चिंकी यादव, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि चिंकी यादव जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण जो है ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा, ये हमारा 6ठा प्रश्न है। इसको आयोजित किया जाएगा पुणे में, आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर जो है यहाँ पर हमारा पुणे है। भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2019 का 7वां संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में 1 से 14 दिसंबर 2019 से आयोजित किया जाना है। अभ्यास का 6ठा संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण और बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर यहाँ पर क्या है, सी है। अब यहाँ पर हमने बात की श्रीलंका की, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका में हाल ही में नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री दोनों बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों का ही नाम जो है लिखकर बताएंगे। अब मैं आपको मित्र शक्ति की तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए मित्र शक्ति, ओके, जॉइंट ट्रेनिंग होगी ये श्रीलंका और इंडिया की। अब कहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका है, छोटा सा यहाँ पर कंट्री है भारत के दक्षिण में। यहाँ पर राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे और करेंसी यहाँ पर श्रीलंकन रूपी है। बहुत ही जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है श्रीलंका, वहां की चाय भी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। हाल ही में किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सदस्य चुना गया है, ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सऊदी अरेबिया, आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, आंसर जो है हमारा डी होगा। यूनेस्को के सदस्य सऊदी अरब
को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में सदस्यता जीतने के बाद पहली बार विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड के उपयोग को परिभाषित करती है और पार्टियों से अनुरोधों पर वित्तीय सहायता जो है आवंटित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है यहाँ पर सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए, हेमंत करकरे, ठीक है, हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। और आंसर है जूई करकरे। आंसर यहां पर क्या है? जूई करकरे। सरनेम से ही आप हिंट जो है लगा सकते थे। ओके, तो आंसर यहां पर हमारा जो है बी इज द राइट आंसर। हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर नामक पुस्तक जो है इसको मुंबई के क्रॉसवर्ड बुक स्टोर में जारी किया गया। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक करकरे की बेटी जूई करकरे हैं। उसने अपने पिता के संस्मरण को प्रकाशित किया है। हेमंत करकरे ने मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में काम किया था। 2008 में वह मुंबई हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा कार्रवाई में मारे गए और उन्होंने मरणोपरांत अशोक चक्र से भी उनको सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, हेमंत करकरे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए 9वां प्रश्न है, न्यूजन मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2019 हाल ही में कौन से शहर में आयोजित किया गया है? और इसको हरियाणा का जो शहर है गुरुग्राम, वहां पर आयोजित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने गुरुग्राम में आईसैट के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सेंटर के इंटरनेशनल सेंटर में न्यूजन मोबिलिटी समिट 2019 में ऑटो उद्योग को संबोधित किया है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में मोटर वाहन उद्योग के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, नीति निर्माता और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट द्वारा दुनिया भर से भाग लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर गुरुग्राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजन मोबिलिटी समिट डिसरप्शन अनवेल्स, ये आप सारा यहाँ देख सकते हैं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसको हम मनाते हैं 29th of November को। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर जो है हमारा यहाँ पर डी है, डी इज द राइट आंसर। आप तस्वीर देखिए, ये देखो यहाँ पर 29th November इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, यहाँ पर आपको ये सारा जो है ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवंबर को फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दुनिया भर में संघर्षों को कम करने या खत्म करने के उद्देश्य से 1945 में हुई थी। फिलिस्तीनी संघर्ष 1948 में इसराइल की स्थापना के साथ शुरू हो गया था और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निपटाए जाने वाले सबसे लंबे और सबसे अधिक संघर्षपूर्ण संघर्षों में से एक है। और 1977 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने प्रत्येक वर्ष जो है 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का दिन घोषित करते हुए अपना प्रस्ताव पारित किया। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। और ये जो दिन है ये विस्थापित फिलिस्तीनियों की दुर्दशा जो है उसको पूरी दुनिया को याद दिलाएगा। ये हमारे आज के सभी प्रश्न। और अब हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। इंडियन नेवी चीफ जिनका नाम था एडमिरल सुशील कुमार, उनका निधन हो गया है। 15वां फाइनेंस कमीशन जो है वो एक्सटेंड की गई है, उसकी डेट 30 अक्टूबर 2020 तक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में आईआईटी बॉम्बे जो है वो भारत के संस्थानों में सबसे ऊपर। गोल्डन टारगेट ISSF ये मिल रहा है दिव्यांश सिंह पवार, एलावेलिन वेलरेन को और सौरभ चौधरी को। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच पुणे में ऑर्गेनाइज होगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मेंबर बना सऊदी अरेबिया। हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर ये पुस्तक लिखी है जूई करकरे ने अपने पिता के बारे में। न्यूजन मोबिलिटी समिट 2019 गुरुग्राम में आयोजित और इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ये नवम्बर 29th को मनाया जाता है।
आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पहला कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम बताइए। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, चलिए उनका नाम भी बता दीजिए लगे हाथों। हाल ही में किस नौसेना प्रमुख का निधन हो गया है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और कल मैंने आपको एक वेट लिफ्टर का नाम बताया था जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है और वो ओडिशा से हैं, उस वेट लिफ्टर का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो आप लाइक बटन पर क्लिक करो, जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, कल सुबह 4 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।